उदयपुर एसीबी की टीम ने बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर जितेंद्र सांखला को ट्रैप किया है। नवागांव ब्रांच में कार्यरत जितेंद्र सांखला को ट्रैप किया गया है। बैंक के अस्थायी कर्मचारी नरेश कटारा को भी ट्रैप किया गया है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते यहां पर पकड़ा गया है। रिश्वत के 9,000 रुपए पहले ही लिए जा चुके थे। बीमा राशि दिलाने की एवज में ये रिश्वत की डिमांड यहां पर की जा रही थी और एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। बैंक के अस्थायी कर्मचारी नरेश कटारा को भी यहां पर ट्रैप किया गया है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता राजेश सोनी। राजेश, क्या है मामला, आखिर किस मामले की एवज में ये रिश्वत की डिमांड की जा रही थी? जी बिल्कुल, ये बांसवाड़ा के नवागांव का मामला है और बांसवाड़ा में एसीबी की कार्रवाई लगातार अपने अंजाम देती आ रही है। इसी क्रम में आज उदयपुर की जो एसीबी टीम है वह बांसवाड़ा के नवागांव में पहुंची। यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर जो जितेंद्र सांखला जयपुर के रहने वाले हैं, यहां कार्मिक है बैंक के अंदर मैनेजर, उनको आज वहां पर एसीबी द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते दर्द पहुंचा गया है। उसके साथ में बैंक में अस्थायी एक कर्मचारी भी है नरेश कटारा को भी ट्रैप किया गया है। तो ये मामला इस प्रकार रहा कि वहाँ प्रार्थी ने बीमा राशि दिलाने के एवज में इसकी जो है रिश्वत की मांग डिमांड होना बताया था। इस मामले का पुलिस एसीबी ने सत्यापन किया और आज एएसपी उमेश ओझा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई यहाँ पर मौके पे, और एसीबी की टीम आई और तत्काल इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी मैनेजर को दर्द पहुंचा है। जी, बीमा किस प्रकार का था, कौन से बीमा की जो राशि है वो दिलाने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी? देखिए, ये निचली नाल पंचायत गणाव जिले का यहाँ पर ये था, ये जो प्रार्थी प्रभुलाल उसका मामला था और छोटे भाई डिंडोर की मृत्यु हो चुकी थी जिसका बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिला नवागांव में था और जिसने पीएमएस प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत इसका बीमा था और बीमा राशि दिलाने की एवज में उस बैंक मैनेजर जितेंद्र सांखला ने 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी जिसमें 9,000 रुपए पहले ले चुका था और बीमा के जो 2,00,000 रुपए स्वर्गीय सोहन की पत्नी धर्मपति ललिता के खाते में डाल दिए थे, लेकिन रिश्वत की बाकी रुपयों के लिए बार बार घर जाकर धमकाता था और ललिता के खाते को लेन देन पर भी रोक लगा दी थी और कहता था कि जब तक बाकी के रिश्वत के रुपये नहीं दोगे तब तक खाते में लेन देन नहीं करने दूंगा। इस मामले पर पीड़ित ने वहां पर इस मामले को लेकर सत्यापन कराया, जहां पर सत्यापन में मामला सही पाया गया जिस पर एसीबी ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आज उस कार्रवाई को अंजाम दिया। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता राजेश सोनी, जिन्होंने बताया कि रिश्वत की डिमांड की गई थी, लगातार परेशान किया जा रहा था, तो वहीं पीड़ित पक्ष ने एसीबी में शिकायत की, एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया।